हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्माइली सिस्टर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉटन का सूट डिज़ाइन। आप देखिएगा, ये कॉटन का जो सूट है इस पे प्रिंट हुआ हुआ है, शाइनिंग वाला प्रिंट। और जो ट्राउज़र है उस पे भी प्रिंट हुआ हुआ है। और मेरा जो ये सूट है ये कंट्रास्ट में है। इसकी जो शर्ट है वो पूरी ब्लैक है, उसके ऊपर शाइनिंग वाली प्रिंट हुई हुई है जो आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप देखिएगा कितना खूबसूरत सूट है ये कॉटन का। इस पर मैंने नेक पे भी डिज़ाइन बनाया है और ट्राउज़र में भी। इसके जो दामन पे सारा प्रिंट हुआ हुआ है। आप देखिएगा ये ब्लैक के साथ जो है ये पिंक कलर का ट्राउज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका दुपट्टा भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। इसका जो दुपट्टा है वो भी पूरा ब्लैक है, उसमें भी बिल्कुल शर्ट की तरह प्रिंट हुआ हुआ है गोल्डन कलर का। अभी सूट ज़रा पास से देखें, पास से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये ट्राउज़र डिज़ाइन ये बनाना बहुत इजी है। इसकी जो नेक का जो डिज़ाइन है ये पूरे या नीचे तक डिज़ाइन था। इसके जो गला बना हुआ था नेक मेरा, इसको मैंने कटिंग किया है बीच से और बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल राउंड बनाया है, नीचे वी बना दी। और जो वी को मैंने पूरा नीचे तक कटिंग किया है जहाँ तक मेरा डिज़ाइन था नेक का। और इसके बीच में जो है मैंने जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो बच गया था, तो उससे मैंने पाइपिंग बनाई है। पाइपिंग को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें जो है मैंने थोड़े बड़े साइज़ के मोती लिए थे, उन पे मैंने पहले ट्राउज़र का जो फैब्रिक था उसको मैंने पूरे लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए अपने नेक में लगा दिया। और ये सब कुछ लगाने के बाद मैंने जो है अपने नेक को क्लोज करने के लिए नीचे कपड़ा लगा दिया था। और कपड़ा मैंने ब्लैक कलर के नीचे लगाए थे ताकि पता ना चले। आप देखिए कितना कितनी सफाई से ये बनाया है नेक डिज़ाइन। और ये नेक डिज़ाइन बनने के बाद मेरी शर्ट पे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और ये जो है मेरे स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी प्रिंट हुआ हुआ है। पहले इतना ज़्यादा प्रिंट हुआ हुआ था तो मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया स्लीव्स पे, मुझे सिंपल चाहिए थे। मैंने सिर्फ पाइपिंग का यूज़ किया है। और जो सेकंड स्लीव है वो भी बिल्कुल सिंपल सही है। ये मेरे सूट में येलो कलर गोल्डन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने पाइपिंग भी गोल्डन कलर की रखी है। और ये चाकों पे मैंने लगाई है पाइपिंग गोल्डन कलर की। आप भी इसी तरह सफाई से लगाएगा, सफाई से लगाएंगे तो अच्छी लगेगी पाइपिंग। और इस शर्ट का जो बैक था वो भी काफ़ी खूबसूरत है, उस पर भी यही सारा प्रिंट हुआ हुआ है।
दामन पे। और जो दामन में मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल ही इसको मैं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बैग देखिए, बैग भी बिल्कुल आगे वाले की तरह है। और ये ट्राउज़र डिज़ाइन है, ये पूरा प्रिंटेड कपड़ा था, ट्राउज़र का पिंक कलर का था, तो ये कंट्रास्ट में मैंने लिया था। देखिए पिंक कलर में कितना खूबसूरत प्रिंट हुआ हुआ है। और इसका डिज़ाइन जो है इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी सा डिज़ाइन है ट्राउज़र डिज़ाइन। मैंने नीचे सिलाई जो है वो एक ही की थी, ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया था। ये जो ब्लैक कपड़ा मैंने लगाया है ये मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके लगाया था, 2 टाइम मैंने यूज़ किया है ब्लैक कपड़े को। और ऊपर जो है ब्लैक कपड़े से और जो ट्राउज़रा कपड़ा था, उन दोनों कपड़ों को मैंने यूज़ करके ऊपर फ्लावर्स बनाए और इसके बीच में छोटे छोटे मोती लगा दिए गोल्डन कलर के। ये देखिए जो मैंने फ्लावर बनाए थे ब्लैक और पिंक कलर के कपड़े से, उन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनके बीच में मैंने छोटे छोटे मोती लगा दिए थे। शर्ट में ज़्यादा गोल्डन कलर था तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर का ही मोतियों को यूज़ किया अपने ट्राउज़र पे। इसका जो सेकंड है वो भी देखें, दोनों सफाई से बनाएगा ताकि खूबसूरत लगें। यह है मेरा खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन। और ये मैंने आपको कहा था कि मेरा दुपट्टा मेरे बिल्कुल शर्ट की डिज़ाइन का है। दुपट्टा देखिएगा, दुपट्टा जो है मेरा बिल्कुल शर्ट की तरह का, इस पर भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर का प्रिंट हुआ हुआ है। ये है दुपट्टा। इसको मैंने सिर्फ पीको करवाई दोनों तरफ और बिल्कुल सिंपल रखा है। ये पूरा ब्लैक दुपट्टा है। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। मेरी वीडियो बस यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।